दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी शादी एक अमीर राजा से करा दी जाती है, लेकिन शादी के बाद वो आदमी उसे बिल्कुल टच तक नहीं करता। इसीलिए वह लड़की अपने ही नौकर के साथ अफेयर चलाती है और उसके साथ अपनी मनमानी करती है। अब आगे वो दोनों और क्या क्या करते हैं, ये सब आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तब तक के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी एक अमीर आदमी अलेक्जेंडर से करा दी जाती है। अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी उम्र कैथरीन की उम्र से बहुत ज्यादा थी। फिर हम देखते हैं कि रात को अलेक्जेंडर कैथरीन को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब कैथरीन को लगता है कि अलेक्जेंडर उसके साथ इंटीमेट होगा, इसीलिए वह अपने सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन अलेक्जेंडर उसके साथ इंटीमेट होने की बजाय खड़े होकर उसे देखने लगता है। अब पहले दिन कैथरीन को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर अगले दिन कैथरीन को कुछ रूल समझाए जाते हैं, जैसे कि उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ हमेशा एना नाम की एक मेड रहेगी। और कैथरीन जहाँ रहती है वह एक बहुत ही बड़ा महल है, इसीलिए वह पूरे महल में कहीं भी घूम सकती है, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां अलेक्जेंडर का डैड बोरिस कैथरीन को महफिल के सामने बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो सब लोग आपस में ही बात कर रहे थे और कैथरीन वहां अकेली बैठकर बोर हो रही थी, इसीलिए वह अपने रूम में चली जाती है। अब एना हर समय उसके साथ ही रहती है और कैथरीन को सुबह सुबह उठाने का काम भी एना का ही है। इसके बाद एना के रूम में अलेक्जेंडर आता है, जिसके बाद एना उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है और अलेक्जेंडर कैथरीन से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद कैथरीन भी अपने हस्बैंड की बात मानती है और उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन अलेक्जेंडर उस दिन की तरह आज भी एना के साथ कुछ नहीं करता और उसके सामने ही मास्टरबेट करने लगता है। इसके बाद ये दोनों बिना कुछ किए ऐसे ही सो जाते हैं। अलेक्जेंडर कैथरीन के साथ वो सब नहीं कर रहा था जो कैथरीन उसके साथ करना चाहती थी। फिर अगले दिन अलेक्जेंडर कैथरीन को बिना बताए कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर चला जाता है। जब कैथरीन बोरिस से अलेक्जेंडर के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि अलेक्जेंडर किसी काम से बाहर गया है और मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद बोरिस भी कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और अब महल में केवल कैथरीन, एना और बाकी नौकर बचे थे। इसके बाद कैथरीन मौका देखकर महल से बाहर घूमने जाती है, क्योंकि अब उसे बाहर जाने से कोई भी रोक नहीं थी। फिर एक दिन कैथरीन को नौकरों के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो उस रूम में जाकर देखती है तो वहाँ नौकर एना को नंगा लटकाकर उसे परेशान कर रहे थे। उन नौकरों में से एक नौकर का नाम सेवस्टन था और वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद कैथरीन अपने रूम में आ जाती है। फिर अगले दिन सेवस्टिन कैथरीन के रूम में जाता है और उसे सीड्यूस करने लगता है। हालांकि पहले तो कैथरीन उसे खुद से दूर रहने का नाटक करती है, लेकिन बाद में वो भी खुद को रोक नहीं पाती, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और ये दोनों जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ इंटीमेट होते हैं। लेकिन एक दिन एना इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। फिर कुछ दिनों बाद बोरिस भी घर वापस आ जाता है और वो एना से अपनी फेवरेट ड्रिंक पीने के लिए मांगता है, लेकिन बोरिस की फेवरेट ड्रिंक को कैथरीन ने पीकर खत्म कर दिया था। लेकिन एना बोरिस को कैथरीन के बारे में कुछ नहीं बताती, जिससे बोरिस को लगता है कि उसकी फेवरेट ड्रिंक एना ने किसी को दे दी है। इसीलिए वह एना पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे एनिमल की तरह चलकर रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगले दिन बोरिस को किसी ने कैथरीन और सेवस्टिन के अफेयर के बारे में बता दिया था, इसीलिए वो सेवस्टिन को बहुत ही ज्यादा मारता है। हालांकि कैथरीन सेवस्टिन को बचाने के लिए भी जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब कैथरीन बोरिस से सेवस्टिन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये सुनकर बोरिस को कैथरीन पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। अब कैथरीन को भी बोरिस पर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए अगले दिन वो बोरिस के खाने में जहर मिला देती है, जिसे खाने के बाद बोरिस की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन बोरिस का फ्यूनरल किया जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्यूनरल में नहीं आ पाता क्योंकि वो बाहर था और उनसे बहुत ही ज्यादा दूर था। एना को कैथरीन के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। फिर कैथरीन अपने अफेयर को सेवस्टन के साथ कंटिन्यू करती है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला बोरिस भी मर चुका था। फिर एक दिन जब ये दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे थे, तभी कैथरीन बाहर अलेक्जेंडर के घोड़े को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि अलेक्जेंडर वापस आ चुका है। इसीलिए वो सेवस्टन को अपने रूम में ही छुपा देती है और जब अलेक्जेंडर उस रूम में आता है तो वो उसे बेड पर बैठी हुई मिलती है। कैथरीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके रूम में कोई न हो, लेकिन अलेक्जेंडर को कैथरीन और सेवस्टन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो कैथरीन को सेवस्टन को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब कैथरीन भी उससे कुछ नहीं छुपाती और वो सेवस्टन को बाहर निकालती है और अलेक्जेंडर के सामने ही सेवस्टन के साथ इंटीमेट होने लगती है। ये देखकर अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेवस्टन से लड़ाई करने लगता है। इसी दौरान कैथरीन किसी चीज से अलेक्जेंडर पर अटैक करती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। उस महल में अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि अलेक्जेंडर वापस आ चुका है, इसलिए ये दोनों चुपके से अलेक्जेंडर को दफनाने के लिए जाते हैं और उसे दफनाने के बाद कैथरीन अलेक्जेंडर के घोड़े को भी मार देती है और उसे भी दफना देती है, ताकि किसी को भी ये पता न चल सका कि अलेक्जेंडर वापस आया था। अब बोरिस के साथ साथ अलेक्जेंडर भी मर चुका था और अब कैथरीन खुलेआम सेवस्टन के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, तभी कैथरीन से मिलने एक लेडी आती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो कैथरीन को बताती है कि अलेक्जेंडर का उसकी बेटी के साथ अफेयर चल रहा था और ये बच्चा भी अलेक्जेंडर का है और हमें पता चला है कि अलेक्जेंडर बहुत दिनों से घर नहीं आया है। अगर उसकी मौत हो गई होगी तो इस प्रॉपर्टी का हकदार भी ये बच्चा होगा। तब कैथरीन उससे कहती है कि अलेक्जेंडर अभी मरा नहीं है बल्कि वो लापता है और जब तक ये कन्फर्म नहीं हो जाता
कि अलेक्जेंडर की मौत हो चुकी है, तब तक वो लेडी उसी घर में रुकने के लिए कहती है और उस घर में रहने लगती है। अब सेवेस्टन को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था और कैथरीन भी सबके सामने सेवेस्टन से नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वह छुपकर उससे मिलने जाती थी। एक दिन जब वह सेवेस्टन से मिलने जाती है तो वह छोटा बच्चा टैडी भी उसके पीछे आने लगता है। तब कैथरीन सेवेस्टन से मिलने नहीं जाती। कैथरीन को ऐसा लगने लगा था जैसे वो बच्चा उन दोनों के बीच एक रुकावट पैदा कर रहा हो। फिर अगले दिन जब कैथरीन सेवेस्टन के पीछे जाती है तो टैडी भी उसके साथ आने की जिद करने लगता है। तब कैथरीन उस पर गुस्सा होने लगती है और खुद सेवेस्टन के पीछे जाने लगती है। अब इस बात से टैडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। और शाम तक टैडी के घर ना लौटने पर सब लोग मिलकर टैडी को जंगल में ढूंढने लगते हैं और सेवेस्टन को टैडी एक झरने के पास बैठा हुआ मिलता है, जिसके बाद सेवेस्टन टैडी को वापस महल ले आता है और उसकी ग्रैंड मदर से कहता है कि इसे बाहर जाने मत दिया करो। तब टैडी की ग्रैंड मदर सेवेस्टन पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सेवेस्टन एक नौकर होकर उसे ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए वो सेवेस्टन को महल से निकल जाने के लिए कहती है। तब सेवेस्टन गुस्से में उस महल को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन किसी तरह कैथरीन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि टैडी हम दोनों के बीच एक दरार है, इसीलिए हमें उसे मारना होगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर टैडी को मार देते हैं। टैडी को मरा हुआ देखकर उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। टैडी की हत्या करने के बाद सेवेस्टन बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने लगता है क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो कैथरीन और अपने बारे में सबको सच बता देगा, जिसके बाद वो सीधा महल के अंदर जाता है और सब लोगों के सामने सच बता देता है। वो उन्हें बताता है कि कैथरीन ने ही अलेक्जेंडर और उसके डैड को मार दिया है और टैडी को भी इसी ने मारा है और इस सब में मैंने इसका साथ दिया है। लेकिन कैथरीन वहाँ सबके सामने सेवेस्टन को गलत साबित कर देती है और उनसे कहती है कि ये और एना इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। एना निर्दोष थी, लेकिन जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद कोई भी सेवेस्टन की बात पर यकीन नहीं करता और एना और सेवेस्टन को जेल में डालने के लिए ले जाया जाता है। कैथरीन ने सारा इल्जाम उन दोनों पर डाल दिया था, इसीलिए वो बच जाती है और इस पूरी प्रॉपर्टी की मालिक भी कैथरीन ही बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।